कृतदास मैंने गुमास्ता मैंने केते दिन राज्य को शासन करेंगे आमास्ता तो बुले बुले मीटिंग कर कृतदास मैंने तो कौटि रास्ता सफा करोटी ट्राफिक ड्यूटी केत चौकी पकड़ ड्यूटी तो लोक जा सारे अरे जदि 10,000 आप्लिकेसन पड़ा निजे कृतदास से कौन कड़े गला कहीं कि आमदानी नेता मान को टिकेट दौरान आपण मानक डीएस वर्ल्ड को स्वागत आज भिडियो मुसार राज्य बीजेपी पूर्वतन सभापति श्रीयुक्त समीर महांति बीजेडी गुमास्ता पांड्यान बाबू एवं बीजेडी कृतदास बॉबी बाबू को एपरी धोई सहित मुख्यमंत्री को किपर कटु समालोचना करीडियो मुझा देखी एवं बीजेपी पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांति जो स्टेटमेंट आज देखार एक सठिक विश्लेषण आपण मान सामने रखी एवं सहित भिडियो मुझे कहबी ओडिशार मुख्यमंत्री गुमास्ता पांड्यान बाबू एवं बीजेडी कृतदास नेता माने ओडिशार अस्मिता को किपर पाद तले दली देशार शासन व्यवस्था को किपर एक तमिल अर्थात अणओड़िया व्यक्ति हाथ में टेकी आपण मानक कहबी भिडियोटी को लास्ट जाए निश्चय देखिए चैनल यदि नुआ थे चैनल टी प्लीज सब्सक्राइब करदे एवं ये वीडियो को सांगो साथी बंधु बांधव प्रियजन जी भी आपंकर अच्छा शेयर करने बिल्कुल भूलें कारण आगुकु ओडिशार भाग्य निर्धारण होगा जाऊँ इलेक्शन रे तेणु समस्त ओडिशावासी जानिबा दरकार ओडिशारे चली कौन एवं वीडियोटे यदि आपण मानक भल लगे लाइक टे निश्चय करदे बर्तमान आपण देखु प्रथम जे कि समीर महांती तांको स्टेटमेंट रे कौन कही छंती तांको देखि के दुईटी भर दियो आपण बीजेपी रो आ प्रार्थी को ऊपर भरोसा नै त से जुटमे ए कोठी ना कोठु से ए जानी सललेनी जे निजो गोड़तोळु माटी खसिलानी आ ये जो बळी बाबरे राज्य रे दीर्घ दिन धरी वीडियो रो मुख्यमंत्री वीडियो माध्यम रे शासन करछंती एवं तांको गुमास्ता शासन भार दायित्व नहीं कृतदास मैंने तो भर्ती होती तो से दृष्टि से भावुंजे कौन सीना कौन सी दृष्टि वीडियो मुख्यमंत्री को षष्ठ पाड़ी आउ थ मुख्यमंत्री करूँ बोली से भावुं कि लोक तर आगामी दिन में निश्चित रूपे जवाब देवे गणतंत्र में लोक ही होंगे मालिक लोक जा सारे वीडियो केते दिन चलो आए कृतदास मैंने गुमास्ता माने केते दिन राज्य को शासन करेंगे तेणु ये गुमास्ता शासन को कृतदास मानू निश्चित रूपे ओडिशार लोक आगामी दिन जवाब देवे से कहीं कौन से तो कौन गोड़तोल माटी कौटी खसला जो जो भाई भाव में दलर आभ्यंतरीण गंडगोल चलुची से सीट देखुं राज्य तो वीडियो मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री वीडियो वार्ता दौरान गुमास्ता तो बुले बुले मीटिंग कर कृतदास मैंने तो कौटि रास्ता सफा करोटी ट्राफिक ड्यूटी केत चौकी पकड़ ड्यूटी तो लोक जा सारे से कौन कहे निश्चित रूप से ही कथा को ही आगामी दिन में से कथा प्रमाणित होगा बीजेडी जो मैंने टिकेट नहीं आगे कहते हैं बीजेडी पाखे नेता ना नेता आमदानी कर जो मैंने टिकेट नहीं भोट ना जो नवीन पट्टनायक निश्चित रूपे से देखा जो भाई भाव में दल में जदि 10,000 आप्लिकेसन पड़ा निजे कृतदास से कौन कड़े गला कहीं कि आमदानी नेता मान को टिकेट दौरान दिन 11 बेले ने 5 बेलू टिकेट दिले तो ये कौटिना कौटि ये 25 वर्ष शासन करुवा दलर ए अवस्था है। प्रथम समीर महांती को पचरा गला जे कि पांड्यान बाबू कहते शंख चिन्ह एवं नवीन पटनायक को देखिक आपण बीजेडी को भोट दिंतु तार उत्तर रे समीर महांती कौन कहले आपण शुणी पारिथिबे से स्पष्ट भाव कहले
जे कि तांकर पाद तळु माटी खसी गलेनी से ऑलरेडी जानी गलेनी सेथि पई वर्तमान से कहउचंती शंख चिन्ह एवं नवीन पटनायक को देखिकि बीजेडी को वोट दियंतु। आहुरी मध्ये आपण जेतबेळे ए कथाटी सुनुथिबे पांडियान बाबू कहउचंती शंख चिन्ह एवं नवीन पटनायक को देखिकि वोट दियंतु सेतबेळे बीजेडी रे जो नेता माने आम ओडिया नेता माने अछंती से मानको उपरे निश्चित भाबरे आपण मानकर गोटे क्रोध बढ़ुथुबो काहेकि ना ओडिशा रे कोन कोनोसी गोटे नेता नाहंती जे एपरी कथा कहिबा पई जणे ओण ओडिया लोक जे कि तमिल रु आसीथिबा जणे लोक तमिलनाडु रो लोक सी आसिके एठी ओडिशा राजनीति रे लोक माने ओडिशा रे लोक माने कहा को वोट देबे कोन देखिके वोट देबे से कहिबा पई किए ओडिशा रो बीजेडी सरकार पांडियन को सारा ओडिशा सारा हेलिकॉप्टर रे बुलेले कोटी कोटी टंका खर्च कले आज जेतेबेळे लोक मानक भितर गोटे क्रोध बढ़ी चली जे अण ओडिया लोक आसिक आम ओडिशा रे शासन करुची ओडिशा रो मंत्री एमएलए मानक ता अंडर रे काम करउची जणे आईएएस ऑफिसर थिबा बेले एवं एबे जणे बीजेडी रो साधारण कर्मी हिसाब रे स्टेज ऊपर भाषण दउचंती स्टेज तळे आमर मंत्री एमएलए माने बसुचंती सिए चाहिले मंत्री होवंतु किंबा एमएलए होवंतु तांकु से मुख्यमंत्री को सहित भेटै दउचंती से न चाहिले कोनोसी लोक मुख्यमंत्री को भेटी पारिबे नाही एवं ओडिशा रे की परि शासन चलीचि आपण माने समस्त भल भाबर जानिचंती वर्तमान अण ओडिया शासन चलीचि एही परिप्रेक्षी रे जदि बीजेडी रो कोनोसी नेता ए स्टेटमेंट देइथांते ताहले निश्चित भाव रे एटी बीजेडी रो गोटे माइनस पॉइंट हेथांता कौन कहिथांते लोक माने ना बीजेडी को वर्तमान बीजेडी रु वर्तमान पांडियन को साइड कर दिया गलानी एबे नवीन पटनायक को कथा कुआ जाउची सेति पई ये गोटे स्ट्रेटजी नेकि पांडियन बाबू ए प्रकार वक्तव्य देइचंत पांडियन बाबू बुझी गलेनी एथोर ओडिसा रो लोक माने पांडियन को अगेंस्ट रे वोट देबे सेथि पई से वर्तमान फ्रंट को आसीकि ए भली कथा कहउचंती आहुरी मध्य पांडियन बाबू बुझी गलेनी तांको जोगु बीजेडी वर्तमान बर्बाद होबा पई जाउची सेथि पई से सामना को आसीकि ए परि स्टेटमेंट वर्तमान दउचंती आपण मानकु पूर्व वीडियो मानकर मध्य मु देखैछि जेकि पांडियन बाबूंकर जो पोस्टर सब लागुथला जो बीजेडी रो सब पोस्टर लागे सेथिरे पांडियन बाबूंकर फोटो रहउथला नवीन बाबूंकर फोटो रहउथला बिजू बाबूंकर फोटो रहउनुथला एबे मध्य आपण मानकु मु स्क्रीन ने देखैछि आपण देखि पारथुबे जो नेता माने एबे पोस्टर जारी करछंती सेथिरे पांडियन बाबूंकर फोटो रखुनांती काही की ता कारण होची वर्तमान पांडियन को सहित मुख्यमंत्री एवं बीजेडी रे थिबा कृतदास माने समस्त बुझी गलेनी जे कि ओडिशा वासी वर्तमान तातिकी रहिछंती खाली इलेक्शन रे जवाब दवा पई अपेक्षा करछंती जणे अण ओडिया शासन करूची ओडिशा वासी को मंत्री एमएलए को ता अंडर रे रखिकी गोटे सुपर सीएम भाव रे वर्तमान काम करछंती तांको पई सुरक्षा रे मध्य आपण जानि परथुबे केते पुलिस कर्मी लागिछंती एवं तांकर जिबा आसीबा खाइबा पीबा मेडिकल जते टंका सब खर्च होउची आम ओडिशा वासिंकर जो टिकस टंकारु तांको पई आज खर्च करा जाउची जणे अण ओडिया व्यक्ति को पई आज खर्च करा जाउची लोक माने वोट दैथिले नवीन पटनायक को किंतु आज नवीन बाबू जणे अण ओडिया लोक को आज सुपर सीएम बनै दैछंती तांको पछरे कोटी कोटी टंका आज राजस्व लूट करा जाउची तांको पई खर्च करा जाउची राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट रे जदी तांको विषय रे किछि इनफॉर्मेशन मगा जाउची ताहाले मध्य ओडिशा सरकार तांकर इनफॉर्मेशन दउ नाहंती आठरु दुर्भाग्यजनक कोन हेइ पारे तेणु मु सारा ओडिशा रो जो दर्शक माने ए वीडियो देखुचंती सेमानको मु कहिबा पई चाहिबी ओडिशा रे जो अण ओडिया राजनीति चलीछि तार अवसान घटंतु एवं नवीन पटनायक को गोटे उचित शिक्षा दियंतु से तांको जीवन काल रे ए परि भूल करबा पई जेमिति आउ थरे साहस करिवे नै खाली नवीन पटनायक नुहे आगामी दिन रे जे भी ओडिसा रो मुख्यमंत्री हेबे से माने ए भली भूल काम करबा पई केबे भी साहस करिवे नै मु कृतदास हो गरे जे आ बिजु जनता हो रे मु मिलिया हो गरे आपन को बॉबी बाबू को गोटे स्टेटमेंट आपन को सुनैली आपन सुनि पारथिबे से निजे कहउचंती मु कृतदास हबा को राजी अछि घटनाटी वर्षे डेढ़ वर्ष तलर घटना जहाँकि नवीन पटनायक पाखु किछि लोकंकु नेइकरि आसीथिले बॉबी बाबू भितरे थिले नवीन बाबू एवं तांको सहित थिले पांडियन बाबू किंतु बाहरे ठिया हेथिले आमर बॉबी बाबू सेतबेले सांबादिक माने तांको प्रश्न कले जे कि बॉबी बाबू आपण एते बड़ गोटे सांगठनिक संपादक के बाहर ठिया होती भितर अच्छा पांडियान बाबू नवीन बाबू आपण बाहर रहीगले से कहते दरकार पड़े मु कृतदास हवाकू राजी अच्छी
ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବବି ଦାସଙ୍କୁ କ୍ରିତଦାସ ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବବି ଦାସଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବବି ବାବୁ ଏତେ ଉପର ସ୍ତରର ନେତା ହୋଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, BJDରେ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ। ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବବି ବାବୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ୍ରିତଦାସ ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏହି କଥା ଯେଉଁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ କଥା ଉଠେଇଲେଣି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ କ୍ରିତଦାସ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମର ଦରକାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଯିଏକି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 400 ପାର ନାରା ଅଛି ତାହାକୁ ଯିଏ ସଫଳ କଲା ଭଳି ନେତା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ୍ରିତଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ସମୀର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଥିବେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ କି BJDର ଯେଉଁ କ୍ରିତଦାସ ନେତା ଜଣକ କହୁଥିଲେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର BJD ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ନେତା ସବୁ 10,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଂଗ୍ରେସରୁ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛ, ତାପରେ BJPରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେଲଣି, ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, BJD ଦଳର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ତା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ MLA ହେବ, କିଏ MP ଲଢ଼ିବ, ତାହାର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପୁଣି ସୁପର CM ହେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି BJD ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ, BJD ପୁଣି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଯିବ, ସରକାରକୁ ଆସିଯିବ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ MLA ମିନିଷ୍ଟରମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବେ, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବସିକି ପୁଣି ସେ ଭାଷଣବାଜି କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ ଶୁଣେଇବେ, ମିଛ ସତ କାହାଣୀ ସବୁ କହିବେ, ତାହା ପୁଣି ଆପଣମାନେ 5 ବର୍ଷ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।